हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिक्स टू टी सी स्टडी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, क्लास टेंथ का हिंदी क्षितिज है, ठीक है दोस्तों। और ये चैप्टर 7 है दोस्तों, छाया मत छूना, ठीक है। तो ये कविता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी आते हैं और भावार्थ भी लिखने के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पर आपको दोस्तों क्लास टेंथ का हर एक वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और हर एक हिंदी के टॉपिक को अच्छे तरह से समझाया गया है, जिससे आपको एग्जाम में बेहतर हेल्प मिल सके, ठीक है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कविता है छाया मत छूना, और जिसका कवि है वह है गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। तो ये भी लिखने के लिए आता है अगर एग्जाम में दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से दे देगा आपके एग्जाम में कई जगह उठा करके, और कहेगा कवि तथा कविता का नाम लिखे, ठीक है। तो कविता का नाम छाया मत छूना और कवि का नाम गिरजा कुमार माथुर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, छाया मत छूना, इससे पहले मैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो को पढ़ना कुछ भी नहीं दोस्तों, बस हल्का सा समझना आपको, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि इस कविता में ये बताया गया है दोस्तों, कि जैसे कि हम लोग बहुत ऐसे हम लोगों के साथ ऐसा घटना घटता है, चाहे वह बुरा घटना हो या अच्छा घटना हो, कुछ ना कुछ हमेशा इंसानों के साथ घटना घटता रहता है। और अगर हम लोगों ने क्या करते हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ समय पहले अच्छे घटना घटे होते हैं, हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि काश कब मेरा जिंदगी में और भी वैसा ही घटना घटे जो कि पहले घटे थे। अगर अच्छा घटना घटता है, अच्छा कुछ होता है, तो हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि हमेशा वो अच्छा ही रहे, और पहले बहुत अच्छा हुआ था मेरे साथ, आज क्यों नहीं हो रहा है। इसको इस मतलब सवाल को लेकर के हम लोग दिन रात सोचते रहते हैं कि इतना इस मंथ में या ये साल में मतलब हम लोग ऐसे थे, काश मेरा जिंदगी ऐसा ही करता, मतलब लंगपन बहुत सारा कुछ सोचते रहते हैं। और ये हुआ था हम लोगों को एक साल पहले या एक महीना पहले, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी पड़ता ही है। या तो फिर हो सकता है हम लोगों के साथ कुछ ऐसा घटना घट गया होगा जो बहुत ही मतलब कि दिल दहलाने वाली घटना हो, चाहे वह खराब ही घटना हो या कोई दूसरा घटना हो जो मतलब कि बहुत ही बुरा लगा हो आपको, या तो फिर आपको लगता हो कि मेरे जिंदगी में ना तो ऐसा घटना कभी घटा था और ना ही घटेगा, लेकिन उसी दिन ऐसा घटना घटा। उस चीज को लेकर के भी अगर आप परेशान हैं कि वो घटना ऐसे हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था वो हुआ था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा किस्मत खराब है, ऐसे वैसे अगर आप लोग सोचते रहते हैं दोस्तों, तो इसी चीज के बारे में बताया गया है। तो जो भी चीज हम लोग मतलब कि सोचते हैं पुरानी बातों को, उसको छाया माना गया है। और वही चीज बताया गया कि उस जो छाया है आने की, जो आप सोचते हैं उसको मत छूना, क्योंकि अगर आप पहले की बातों को अगर अभी भी सोचेंगे दोस्तों, तो हम लोग जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, और जो भी कुछ करना बैठेंगे बार बार एक ही बातों को याद आएगा और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ और नए कामों में लग जाओ, इससे आप तरक्की करोगे और जो चाहोगे अपना लक्ष्य को प्राप्त करोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, भावार्थ को समझते हैं और देखते हैं। बोल रहे छाया मत छूना, मन होगा दुख दोना, जीवन में है सुरंग सुविधाएं सहवानी, छवियों के चित्र गंध फैले मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई आमिनी, उतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली से एक छुवन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख देना। देखिए दोस्तों, बोल रहे हैं कि छाया मत छूना। अब देखिए दोस्तों प्रस्तुत, अब चलिए दोस्तों देखते हैं भावार्थ को। उपरोक्त प्रस्तुत पंक्तियां कवि गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है, और हमें कवि जीवन से दुख से लेकर हम लोगों को जागरूक करते हैं, ताकि जिस प्रकार कवि के साथ घटना घटा हुआ, ठीक है, तो जिस प्रकार से कवि के साथ घटना घटा हुआ उस प्रकार हम लोगों के साथ ना घटी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बताया है कि कवि इस प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि ये मन छाया मत छूना, मन को बोल रहा है कि छाया मत छूना, अर्थात ये मनुष्य भूतकाल में आने के पहले के बातों में को बीते हुए दुख सुख को याद मत करना, नहीं तो वर्तमान में जो कि अभी के टाइम है उस समय में सुख दुख में बदल में जाएगा। जीवन में बहुत से रंग बिरंगा सुंदर मिलेगा, फूल बगीचा आदमी आदि सारे मन को खुशी करने वाले हैं, ठीक है। तारों से भरी चांदनी रात बीच बीत चुकी है। कवि कहते हैं कि मेरी पत्नी के देहांत के बाद मेरी पत्नी
के बालों में लगे फूलों को याद करता रहता हूँ, जिससे मेरे जीवन दुख में ही बीत गया है। जिस समय सुख पाने का समय था, उस समय उस फूलों को देखकर समय नष्ट कर दिया, जिससे अपने जीवन में कुछ सुख का काम नहीं कर पाया। ठीक है, कवि ये सारी चीजें बताता है। कवि जी यह भी बताते हैं कि भूले हुए घटना को मत याद करना, नहीं तो मानो ऐसा वो लगता है कि घटना अभी घटा है और वह घटना जीवित हो जाता है, जिससे वर्तमान में अपने आने वाले सुख दुख में बदल जाता है। इसलिए पहले का घटना ना याद करना चाहिए। याद करने से मन दुखी में बदल जाता है, जिससे वह कोई काम नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में वही चीज बताया गया है कि जो कवि होता है उसका पत्नी मर जाता है और वही चीज को याद कर करके रहता है, जिसके कारण से वह कुछ कर नहीं पाता है। जिंदगी भर वही चीज सोचते हुए उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट भावार्थ की ओर। इसमें बोल रहा है, यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया है, जितना ही दौड़ तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का सारण बिंब केवल मृत्यु गिना है, जो है अर्थात कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दाना। इसमें बताया कि दोस्तों कि कवि इस प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि लोग अपने सामान पूंजी धन दौलत आदि सारे वस्तुएं को प्राप्त करने के लिए लोग दूसरे की बुराई कर देते हैं, और ऐसे दो नाव पर पांव रखने पर वाले व्यक्ति भ्रमित ही होते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे लिए कौन सा नाव सही होगा, जो कि यह आगे देखते हैं दोस्तों, जो कि यह नहीं है। और जो व्यक्ति इन सारे चीजों के पीछे जितना भागते हैं, वे उतना ही भ्रमित होते हैं। उसे महान होने का एहसास तो मृग तृणम के जैसा है, अर्थात जिस प्रकार रेगिस्तान में धूप से चिलचिलाता हुआ बालू नदी में बह रहा पानी के समान होता है, तो हिरण को प्यासा हुआ उस और दौड़ पड़ती है, जिससे उसे पानी न मिलकर अमृत सॉरी मिलकर भ्रमित है मिलकर भ्रमित होता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य समान इज्जत पाने के लिए निरंतर प्रयास में लगा रहता है, परंतु वह उसके लिए भ्रमित ही सिद्ध होता है। और जिस प्रकार से वह हर चांदनी रात के पीछे एक अंधियारी मतलब अंधकारी रात भी छिपी होती भी होती है, ठीक इसी प्रकार उस सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। कवि यह भी कहते हैं कि जो सबसे कठिन जो सबसे कड़ा है, उस पर कठिन कसरत करो, एक दिन सफलता प्राप्त होगा। अतः कवि कहता है कि ये मन है मनुष्य, बीते हुए दुख को याद मत करना, नहीं तो अपने आने वाले सुख दुख में प्रेरित हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें से ये बताया गया है कि जो मनुष्य होता है वो अपने लालची के कारण भागता है, और जितना हम लोग लालची बढ़ते जाते हैं दोस्तों, उतना ही हम लोगों को हानि भी होता है। क्योंकि हम लोगों को एक बार में एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया कि दो नाव पर पैर रखने वाला आदमी हमेशा पीछे ही रहता है। ठीक है, तो हम लोगों को हमेशा दो कामों को नहीं करना चाहिए, यानी कि फौजदारी काम नहीं करना चाहिए, हम लोगों को इंसानियत से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लालची के चक्कर में ज़्यादा मतलब फायदा कमाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, बोल रहा, द्विविधा हत साहस है, दिखता है पथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन होगा दुख दाना। अब यहाँ पे देखिए इसका भावार्थ लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, कवि इस प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि पानी में तैरने वाले नाव पर लोगों दोनों पैरों को नाव दो नाव पर रखते हैं, वह सोचते हैं कि मेरे लिए कौन सा नाव सही होगा, जो कि यह बिल्कुल गलत है। कवि कहते हैं कि लोगों का शरीर सुखी होने पर भी मन के दुखों का कोई अंत नहीं होता है। दुख इस बात का है कि शायद नहीं शरद है। ठीक है दोस्तों, शरद शरद की रात मतलब जो सर्दी का होता है ना, उसी को कहते हैं। शरद की रात आने पर भी फूल नहीं खिल सका तो उसके बाद भी खिलते हैं तो वह शोभा नहीं देते हैं, परंतु हम लोगों को उस समय भी फूलों का आनंद लेना चाहिए। ठीक इसी प्रकार कवि के अनुसार, यदि समय पर उस वस्तु को ना मिले मिल सका तो हम दुख होते हैं, लेकिन यदि समय बीतने के बाद भी कुछ वस्तुएं उपलब्ध होती है तो उसे आनंद लेना चाहिए। कवि कहते हैं कि जो हमें पहले नहीं मिल सका, उस चीज के बारे में याद
मत करो, उसे भूलकर भविष्य को के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि भूले हुए बातों को याद करने से दुखी जीवित हो उठता है। इसलिए कवि इस पाठ के अनुसार हमें बताए हैं कि भूले हुए बातों को याद नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वही सारी चीज मिलाकर के इसमें भी देखा गया। तो यहाँ से दोस्तों होता है पैराग्राफ खत्म, और चलते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर। देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों, अगर इस वीडियो पर ज्यादा व्यू आ गए दोस्तों, तो अगले वीडियो जो आएगा वो आएगा इसके पार्ट पर आने की क्वेश्चन आंसर पर, और उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक जय हिंद, जय भारत।